आज मैं बिंदावासिनी भी गया था और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी हुआ, बहुत अच्छा सौभाग्य हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ठीक है सर, एक सवाल है कि इस समय पूरे देश की नजर भी फिलिस्तीन इसराइल युद्ध पर है और इसराइल को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी विचारधारा है भारत में जो लगातार फिलिस्तीन या यूं कह लीजिए कि हमास के भी समर्थन में उठ रही है, तो ऐसे में देखिए हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। ऐसे में सर, 5 राज्यों में चुनाव भी है और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसको लेकर देश में काफी। देखिए अभी जो हमारा देश में विरोधी का गठबंधन है, नाम में तो वो बीजेपी विरोधी है, एक्चुअली वो लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी गठबंधन है। मेरा यही अपील होगा 500 स्टेट का जनता को कि इस गठबंधन को आप लोग पूरा बाहर कीजिए, विदा कीजिए। इसलिए ये गठबंधन अगर कोई गलती से भी कोई दूसरा सीट जीत ले तो हमारा सनातन ही संकट में आ जाएगा। कांग्रेस का ये कहना है लगातार कि वैसी बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमें कोई बीसी टीम को देखना नहीं है, हम तो सीधा कांग्रेस को ही, ये मालूम है कि देश को कांग्रेस से ही मुक्त करवाना है। और वैसी वैसी तो वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, जब को आपको मन है उसको हटा दो, क्या है उसमें कुछ नहीं है। राहुल जी के घर 2 नए मेहमान आए हैं, 2 कुत्ते नए पाले हैं उन्होंने। उनका देखिए, उनका घर में जो भी मेहमान आए ठीक है, लेकिन वो तो खुद देश का ही मेहमान है, ज्यादा समय तो विदेश में ही रहता है, वो तो देश का ही मेहमान है, देश का ऊपर एक मेहमान नवाजी करने का जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल जी साल में आधा समय दिल्ली में विदेश में रहते हैं, आधा समय भारत का अतिथि बन के रहता है। सर, ओवैसी ने अपने ट्विटर पे फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है। देखिए वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करते हैं। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है, ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तुम अभी जाओ गाजा में जाओ, यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो।